हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स के कुछ फीडबैक लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जितने नए बैचेस आते हैं उनके कुछ दिन बाद हम फीडबैक हम कवर करते हैं। ओके, तो हमारे कुछ एक दो बैच है जिनका फीडबैक अभी बाकी है और यूट्यूब पे अभी है नहीं, तो हम लोग वन बाई वन करके फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि इनका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है और क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कवर हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं वन बाय वन करके, इस भाई से बात करते हैं। बताइए। हेलो सर। सर मेरा नाम सुनील भारद्वाज है, मैं बीटेक पास आउट हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं एक फ्रेंड के रेफरेंस से आया था, मेरा फ्रेंड यहीं से पढ़ के गया है। अच्छा, क्या मतलब ट्रेनिंग की क्वालिटी के बारे में बताओ, आप आपको कैसा लग रहा है? वैसे आप तो फ्रेश अभी नए हो यहाँ के लिए। यस मैंने अभी 8 अप्रैल से ही ज्वाइन किया, बैच 15 है मेरा और अभी तक सर मेरा RLC कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मेरा अभी PLC का प्रोग्रामिंग शुरू हो रहा है, कौन से पीएलसी में शुरू किए हैं? सीमेंस का टिया पोर्टल सिक्स टायर में पोर्टल सॉफ्टवेयर में आप वर्जन शुरू किए? 16 है। ओके ओके, यस थैंक यू। ठीक थैंक यू सर। है, इनसे बात करते हैं। भाई माइक पकड़ो, बताओ अपने बारे में। मेरा नाम मोहित भाटी है एंड आई हैव डन पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बाकी अभी मेरा RLC कंप्लीट हो चुका है और मैं PLC के इंट्रोडक्शन को मैंने स्टडी किया है, सीमेंस की PLC को। अभी मैं प्रोग्राम पे वर्क कर रहा हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो? टाया पोर्टल पे मैं काम कर रहा हूँ अच्छा, सीमेंस आप वाला लोग दोनों सॉफ्टवेयर। एक ही बैच के हो ना? जी सर। अच्छा, ट्रेनिंग सही चल रहा है आपका? ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए मैं सर 5 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा, एक्सीलेंट मेरी तरफ थैंक से। यू सो मच। चलिए, और आप बताइए क्या नाम है आपका, लीजिए। मेरा नाम अमजद अली है सर। सर यहाँ मैं अपने दोस्त के रेफरेंस से आया था, तो सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जोर से बोलो, सर थोड़ा सा भेजेंगे। जोर से बोलो। अच्छा बोलो, आगे जी बताओ क्या मतलब अभी क्या टॉपिक चल रहा है आपके बैच में? सर, हमारा सेंसर हो गया है, कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन चल रहा है। जी कंपैरिजन चल रहा है। चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। कुलदीप भाटी नाम है। यस सर। अच्छा लीजिए। सर मेरा नाम कुलदीप भाटी है और मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। और सर RLC की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, PLC का फर्स्ट क्लास। PLC के दो क्लासेस हो गए ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, हाँ अभी यस सर। यस सर। सॉफ्टवेयर वगैरह समझ में आ रहा है हाँ चीज़ें। सर, बढ़िया एकदम क्या रेटिंग दोगे क्लास की? सर, 5 रेटिंग है और गुड गुड फैकल्टी सर। थैंक यू। बाय। चलिए ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। हमारा जो चल रहा है अभी न्यू बैच में वो PLC इंट्रोडक्शन चल रहा क्या है। क्या सर क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ 2016। 2016। तो कैसे यहाँ का रेफरेंस कैसे मिला आपको? मैं एक्चुअली जॉब करता था ग्रेटर नोएडा में, 4 ईयर 5 ईयर जॉब हो गया है मेरे करते करते। लेकिन जो हमारे काम चलता था ऑटोमेशन का, PLC पैनल का, वो लोग बाहर से करवाते थे सर। तो अच्छा मैंने की इसको मैं खुद ही सीख लेता हूँ जो मेरे आगे फ्यूचर में बेस्ट है। तो अभी हमारा चल रहा है PLC का इंट्रोडक्शन चल रहा है सीमेंस का, जिसका सॉफ्टवेयर है टायर AI पोर्टल पोर्टल वर्जन 16। और उसमें हम लोग कैसे S7 200 में मॉड्यूल्स ट्वेल्व ऐड हंड्रेड करते में हैं, 1200 ऐड करते हैं मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट वो करते हैं। मतलब सही समझ में आ रहा है ना? सही आ रहा। वेरी गुड। ये हमारे एक पुराना स्टूडेंट है, अभी अभी आपका शायद VFD चल रहा है ना? आप अपना थोड़ा बताओ, लोग सर इसको पकड़ो। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं बलिया जिला से हूँ और यहाँ लगभग 2.5 महीना हो गया है ट्रेनिंग करते हुए। तो ट्रेनिंग अच्छा लगा और अब हम लोग VFD चल रहा है। VFD VFD में का कितना क्लास हुआ है अभी? VFD का भी 3 क्लास हो गया। अच्छा, 3 क्लास यस हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने सीमेंस और डेल्टा पर VFD पर काम कर रहे हैं। तो ठीक, तो थोड़ा बता सकते हो यस सर। व्यूअर्स को क्या काम कर रहे हो लोग, बताओ। यस, हर हमने आज डेल्टा PLC से डेल्टा VFD चला रहे हैं, तो हाँ, उसको PLC में हमने प्रोग्रामिंग किया है। तो ये सॉफ्टवेयर में हमने प्रोग्राम करके PLC में लोड कर दिए हैं। यहाँ से हम जब इसको यहाँ डी अच्छा, इसको ऑफ करना, PLC सॉफ्टवेयर से ऑफ करना, इसको जैसे ऑफ करने वाला कमांड भेजो। हम मेमोरी इसको ऑफ हाँ, ऑफ करते करो थे। उसको। मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। हाँ, ये आपकी मोटर ऑफ हो गई है। और अच्छा, अब जैसे इसको हम ऑन करो, जैसे ऑन हम का इसको कमांड भेजो। ऑन कमांड करेंगे तो मेरी मोटर ऑन हो जाएगी।
इसको बंद करो पहले, सेलेक्ट तो करा। हाँ अब गया, ऑन कमांड गया, ऑन कमांड आते ही ये फॉरवर्ड में घूम रहा है, रिवर्स में, रिवर्स फॉरवर्ड कमांड गया ना। हाँ। 18 मूव करवा रहे हो राइट। हाँ। अच्छा तो ट्रेनिंग सही चल रहा है? यस सर। कुछ बताना हाँ। चाहोगे कुछ स्पेशल चीज ट्रेनिंग के रिलेटेड? ट्रेनिंग अच्छा सर कराते हैं हम लोग में, फ्रेंडली सब सही रहता है, फ्रेंडली फ्रैंक बिहेवियर है, यही बोलना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, बैठो कोई बात नहीं, अभी दूसरे बंदों का देख लेते हैं। अरे तू क्या घूम रहा है इधर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ये नेपाल का है। मैं नेपाल का। ये नेपाल से है और पहले भी आप लोग एक वीडियो पे आपने शक्ल देख चुका है इनका। ठीक है तो थोड़ा बताओ अपने बारे में। सर मेरा नाम नवराज है, मैं नेपाल का हूँ सर, धनगढ़ी से आया हूँ। और यहाँ का जैसे हमारा जैसे प्रोग्राम सीखना चाहते हो कैसे, पीएलसी का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं सर। और क्या चल रहा है तुम्हारा टॉपिक अभी? हमारा एलियन ब्रिडेड का चल रहा है सर। क्या टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक कंपैरिजन सर। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे सर, इतना अच्छे से दिन भर रहता है सर, इतना अच्छे से आता है सर, समझ आता है कैसे कि सर, मतलब जितना हम समझते हैं, जब समझ जाते हैं सर कुछ नहीं लगता है सर, जब नहीं समझते हैं थोड़ी दिक्कत आती है, पर दिक्कत कोई टेंशन नहीं सर। यहाँ सर जो जो बंदे से, फिर हमारे अगले बंदे हैं जो अगले बैच वाले बंदे से हम सीख सकते हैं कैसे। अच्छा, सीनियर से सीख। हाँ सीनियर से सीख। तो मतलब अफसोस नहीं हो रहा है ना आके नेपाल से? नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फीडबैक दिया भाई ने। अच्छा इनसे शिवांग नाम है ना आपका? लो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम शिवांग है, मैंने डिप्लोमा करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इस टाइम मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ट्रिपल ई से। मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू इंस्टीट्यूट में आया और मैंने सर से ही बात करी। सर वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा ये होता है कि हमें थ्योरी भी कराया जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है कि आप जितने सारे चीज़ें हैं, पीएलसी ढेर सारी हैं हमारे पास, सीवेंस की हैं, एलन बैटरी के मिसू बेसिक की है, सब पे हमें प्रैक्टिकल कराया जाता है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो बेसिकली। इसीलिए तो आप सेटिस्फाई हो? कोई जोर जबरदस्ती आप पे? नो सर, ठीक ठाक चल रहा है ना? पॉजिटिव फीडबैक, गुड, वेरी गुड। इनसे बात करते हैं, आ जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम राजा कुमार शर्मा है, वैसे हम बिहार से हैं और डिप्लोमा के साथ साथ मैंने बीटेक भी कर रखा है। मैं थोड़ा दूर रखा था और मैं जॉब करता था रेलवे सिग्नलिंग में, रेलवे सिग्नलिंग आउटडोर में मैं जॉब करता था। तो उसमें इंडोर में सॉफ्टवेयर वगैरह पे भी काम होता था, मुझे कुछ आइडिया था नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड यहाँ से ही किया हुआ था, वही हमको बताया कि सर के पास जाओ, वहां से प्रोग्रामिंग कुछ सीख लो, फिर आओ इंडोर में तुमको काम बढ़िया मिल जाएगा। मतलब सीख रहे हो तो इम्प्रूवमेंट होगा ना? जी जी इम्प्रूवमेंट काम होगा ना? जी 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 इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि सीखने के बाद काम नहीं, नहीं, है, नहीं आपको लग रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं, धनंजय नाम है ना, बताओ अपने। सर मेरा नाम धनंजय है, हम बिहार से रहने वाले हैं और मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हैं और यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ जॉब वगैरह किए हो? पहले जॉब किए हैं, एलएनटी प्रोजेक्ट पर काम किए हैं उड़ीसा, बट वहाँ सीमेंस का देखे थे, लेकिन सीमेंस का जानकारी नहीं यूपी से, और उसके नॉलेज लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो मतलब सही चल रहा है, कैसा लग रहा है ट्रेनिंग का? बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक एलएनटी और सीमेंस पे दो पीएलसी पे काम हुआ है, उसके अनुसार जो भी सीखे अभी तक अच्छा सीखे। अच्छा कितना परसेंट प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, कितना परसेंट थ्योरी पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पर 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरी चल रहा है, प्रैक्टिकली ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, इनके पास आते हैं, आइए नाम बताओ अपना। मेरा नाम साहिल अख्तर है, मैं पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ और मैं आईटीआई प्लस डिप्लोमा अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो मैं और मेरा दोस्त मतलब ऑटोमेशन करना था, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे पता चला आपका कोचिंग, तो मैंने आए और यहाँ का देखा, सब ट्रेनिंग बहुत अच्छा चलता है और मेरा अभी एलन बैटली में अभी कंपनी में स्टार्ट हुआ है और मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। सीख जाओगे, सही लग रहा है? हाँ एकदम सीख जाएंगे, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा होता है और थ्योरी भी होता है, तो जो है चलो ठीक है। इनसे बात करते हैं, हमारे कैंडिडेट जो है ये मैं बता दूँ, ये मेरा वैसे फेवरेट है क्योंकि वेस्ट बंगाल का है, बंगाली है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका काम ही बहुत बढ़िया है, बहुत देर तक प्रैक्टिकल रहता, दिन भर रहता है ये बंदा स्पेशली। तो बताओ अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम तन्मय घोष है, मैंने बीटेक किया है
और मैं काम कर रहा था, बट एक्स्ट्रा मतलब प्रोग्रामिंग का नॉलेज के लिए मेरे एक फ्रेंड्स का सर के रेफरेंस से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आके मेरे को हार्डकोर लेवल में मतलब डिवाइस में काम करने का मिल रहा है। ऑलरेडी हम सीमेंस एलन ब्रेडली में काम कर चुके हैं और सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे भी काम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। हमारा अभी चल रहा है एलन ब्रेडली में कंपैरिजन ब्लॉक, ऐसा सीख रहे हैं अभी अभी आज का क्लास हुआ है, वही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत आगे आप लोग काम करोगे। एक लास्ट फीडबैक भाई का बाकी है, लीजिए। मेरा नाम निमेश है, इधर देख के बात कर रहा हूँ। मेरा नाम निमेश है, अभी जो प्रैक्टिकल चल रहा है, मैंने कई इंस्टीट्यूट को देखकर फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कई वीडियो देखे, कई इंस्टीट्यूट में विजिट करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगा है यहाँ पे। इससे पहले मैंने जॉब करी है, उसे जॉब में अपना किस फील्ड में आपने जॉब, मेरा फायर से रिलेटेड थी, फायर से NIPS सिस्टम, वहाँ पे PLC का काम होता था। तो एक्स्ट्रा सीखने के लिए मैंने वो डिजाइन करके फिर मैं यहाँ पे आया। तो सर सीख रहे हो ना? हाँ, टाइम तो जाया नहीं जा रहा है ना? नहीं, टाइम जाया नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, और ये तो रितु मैम है, हमारी नई ट्रेनर है वैसे, ठीक है। तो मैं बताऊं, ये हमारे स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक था। रेगुलरली हम स्टूडेंट्स का फीडबैक अपडेट करते रहते हैं, और ऐसे ही अगर आप लोगों को भी ट्रेनिंग करना हो तो आप लोग हमें नंबर हम डिस्प्ले कर देंगे, आप लोग नंबर पे कॉल कीजिए और डेमो रिलेटेड जानकारी लीजिए। और कोई प्रेशर नहीं, अगर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से ट्रेनिंग करनी चाहिए तो आप लोग करो। आप लोगों को पहले डेमो वीडियो वगैरह शेयर किया जाएगा, या तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके एक दिन डेमो ले सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट है वो बेसिकली हम लोग दिल्ली NCR में ऑटोमेशन कंपनीज में ही करवाते हैं, और जो ट्रेनिंग लोग करेंगे वो डिप्लोमा, स्पेशली डिप्लोमा और बीटेक वाले करते हैं। और कुछ कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अपना बिजनेस ओपन करना है इस लाइन पे, तो वो ऐसे कैटेगरी के भी लोग आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ITI वालों के लिए रिलेटेड बोला था कि ITI वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ITI वालों को थोड़ा जॉब के लिए दिक्कत होता है ऑटोमेशन में, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कॉल ना करो, आप सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए ये ट्रेनिंग अवेलेबल है। ब्रांचेस जो आते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन के ब्रांच के हैं, और कोई बंदे बिजनेस पर्पज आ रहे हैं और वो नॉन टेक्निकल है तो उसकी सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और रेगुलरली हम लोग ऑटोमेशन के रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पे डालते रहते हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। और थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।